तो कांस्टेबल भर्ती में गिरिडीह जिला में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर सीट न मिलने पर रविवार को आदिवासी छात्र संघ के छात्र छात्राओं और जिले के अभ्यर्थियों द्वारा शहरी क्षेत्र में विरोध करते हुए जुलूस प्रदर्शन निकाला गया। तो जुलूस की शुरुआत झंडा मैदान से हुई, जो टावर चौक होते हुए झंडा मैदान आकर समापन किया गया। इसके साथ ही छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, जिला परिषद सदस्य प्रवीण मुर्मू और पूर्व प्रमुख सिकंदर हेमरोम ने सरकार के रवैये पर आक्रोश जताते हुए बताया कि झारखंड कांस्टेबल में गिरिडीह जिला के साथ और भी दूसरे जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आवंटित नहीं किया गया है, जबकि गिरिडीह जिला अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी सीटों का ना होना चिंता का विषय है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि जेएसएससी इस पर संशोधन जल्द से जल्द करे, यदि इसमें संशोधन नहीं करती है तो बाध्य होकर आदिवासी छात्र संघ पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करेगी। छात्र नौजवान का, ये बेरोजगारों का फौज है और यह लड़ाई कोई राजनीतिक इश्यू को लेकर के सामाजिक न्याय की बात है। ये झारखंड सरकार और खास करके गिरिडीह जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में एक विशेष जिला है, जहां आदिवासियों की संख्या काफ़ी है। यहां के 28 लाख जनसंख्या में हमारे 4 लाख के आसपास आदिवासी की जनसंख्या है। उसके मुताबिक जो 452 का जो कांस्टेबल पद के लिए जो जिला रोस्टर क्लियर करके भेजा है, तो हमें नहीं लगता है कि ग्राउंड लेवल में कोई पदाधिकारी अभी फंक्शन में होंगे, काम कर रहे हैं कि हवा हवाई रिपोर्ट बना करके सरकार अपने स्तर से जो एक तो बेरोजगारी है और अप्रोच भी करवा रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के संबंध में। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी हितैषी सरकार आदिवासी का सीट जीरो किया, ये कल्पना से बहुत परे है और कहीं ना कहीं यह सरकार की जो लोकल प्रतिनिधित्व है, हमें लगता है कि आदिवासी समाज ने कहीं ना कहीं भूल किया है। राजनीतिक सबसे पहले उत्तरी छोटानागपुर में आदिवासियों की जो राजनीति उसको शून्य किया गया और एक जिला कांस्टेबल पद को भी शून्य किया गया है। ना जाने आने वाला दिन में कई प्रकार की वैकेंसी जो हमारे युवाओं को देने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में रह करके बहुत कठिन परिस्थिति में रह करके, अगर यह सरकार आदिवासी के लिए शून्य करती है तो हमें किस सरकार से उम्मीद करेंगे। तो ये काफ़ी चिंतनीय विषय है और जैसे युवाओं ने कहा, अगर यह वैकेंसी रद्द नहीं करके अनुसूचित जनजाति के लिए सीट अलाउट नहीं करता है तो इससे बड़ा हुजूम होगा और उस समय पूरे आदिवासी समाज का हुजूम पूरे गिरिडीह जिला में उमड़ पड़ेगा। जैसे